उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने उत्तराखंड में ऑटोमेटिक का फिटनेस सेंटर खोलने और 10 साल से पुराने वाहनों को रोड से हटाने का विरोध किया है, जिसमें आज उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने मसूरी में टैक्सी स्टैंड को बंद कर दिया है, जिससे मसूरी में आए पर्यटक भी टैक्सी स्टैंड बंद होने से परेशान रहे। टैक्सी चालक प्रदीप छापने का कहना है कि जितने भी मसूरी में टैक्सी गाड़ियां हैं, आरटीओ उनकी फिटनेस नहीं कर रहा है। ऐसा है कि हमने हमारी गाड़ियों की सरकार फिटनेस नहीं कर रही है, इसके लिए हम आरटीओ के पास भी गए, उच्च अधिकारियों के पास भी गए, पर किसी ने हमारी मांगे नहीं सुनी। तो जितने भी हमारे टैक्सी बस वाले ट्रक वाले जितने भी है, तो हमारी एक बैठक हुई थी कि इसमें हम 29 तारीख को पूर्णतः हड़ताल करेंगे।